जी जी मैं समझ सकता हूँ। नहीं नहीं आप बेफिक्र हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। फराज वो मेरा मोबाइल चेंज करवा दे, इसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ तो मैं कौन सी तुमसे लंबी बात करता हूँ, चार्ज कर लो ना इसे। आप कॉल नहीं करते लेकिन मुझे तो फोन यूज करना होता है ना। वैसे एक बात तो बताओ, किससे इतनी लंबी लंबी कॉल पे बात करती है जो चार्ज खत्म हो जाता है? फराज जरूरी नहीं है फोन कॉल्स के लिए यूज किया जाए। और आप जानते तो हैं मैं कुकिंग शोज देखती हूँ, 15 मिनट की वीडियो भी पूरी नहीं देख पाती कि फोन बंद हो जाता है। ये जुबिया कौन है और ये आपका फोन क्यों कर रही है? तुम अपने काम से काम रखा करो। फराज आप मुझे बता रही हैं या फिर मैं खुद फोन करके पूछ लूं? लाए मुझे। मेरे फोन को हाथ मत लगाना, अगर आज के बाद मेरे फोन को हाथ भी लगाए ना तो हाथ तोड़ दूंगा। फराज मत भूलें कि मैं आपकी बीवी हूं, और मोबाइल तो क्या, आपकी हर चीज पे मेरा हक है। फराज मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हो? यार वो अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर आए हुए थे अम्मी को चेकअप करने के लिए, तो इसी वजह से उनसे बात नहीं हो सकी। ओह, कैसी तबीयत है आंटी की? वैसे ही है, बजाय तो कोई भी नहीं कह सकता कि उनको इतनी बड़ी बीमारी है। साथ भी कहता रहता है कि मेरे साथ बाहर चले, लेकिन वो मानते ही नहीं है। तो बस फिर उनकी जिद का सोल्यूशन मेरे पास है। अच्छा वो क्या? ऐसे ही बता दूं, कहीं डिनर पे नहीं लेके जाएंगे मुझे? अरे आप हुक्म तो करें, आप जहाँ बोलेंगे जिस जगह बोलेंगे हम वहाँ डिनर करवा देंगे, लेकिन इतना इंतजार नहीं हो सकता मुझसे। ओके, काशान भाई ने आपको और आपकी फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। मुश्किल